क्या आपने अभी तक गुलदावदी की कटिंग नहीं लगाई है? अगर नहीं लगाई है तो अभी लगा लीजिए, क्योंकि इसके बाद बहुत देर हो जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं मालविका स्वागत करती हूँ आपका जी3 इंडिया गार्डन में। आज मैं आपको बताऊंगी गुलदावदी को कटिंग से किस तरीके से लगाना चाहिए, कितनी बड़ी कटिंग इसके लिए लेनी चाहिए, कटिंग लगाने के लिए कैसी मिट्टी, कैसा पॉट, किस तरह की सनलाइट इसको प्रोवाइड करनी चाहिए। इन सभी टॉपिक्स पे आज मैं आपसे बात करूंगी। अपने एरिया के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग आप इसको जुलाई से लेकर सेप्टेम्बर तक कभी भी लगा सकते हैं कटिंग से। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने करीब एक महीना पहले ये कटिंग्स लगा दी थी और देखिए कितनी अच्छी इनमें रूटिंग हुई है। अगर मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कटिंग से गुलदावदी लगाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक मदर प्लांट, जो कि हमने लास्ट ईयर अपना सेव करके रखा हो। मेरे कुछ शॉर्ट्स हैं जिनमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप अपनी गुलदावदी को सेव कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। तो ये मेरे वही प्लांट्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए थे, इन्हीं में से मैं आज कटिंग्स लूंगी। कटिंग से गुलदावदी लगाने के लिए हमें 3 से 4 इंच की कटिंग चाहिए। आप इसकी सारी ब्रांचेस के टिप की कटिंग ले सकते हैं कटिंग्स लगाने के लिए। गुलदावदी को लगाने के लिए टिप की कटिंग बहुत ही सुटेबल होती है और बहुत अच्छे से लगती है। मिट्टी की अगर बात करें तो मैं इसको सिर्फ और सिर्फ सैंड में लगाती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से ग्रो होती हैं सैंड में। कोई रूटिंग हार्मोन लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, इजीली ग्रो हो जाती है। फिर भी अगर आप चाहें तो इसको एलोवेरा जेल में डिप करके लगा सकते हैं। कटिंग्स लगाते टाइम एक बात का ध्यान हमेशा रखें कि उसकी नीचे की सारी पत्तियों को निकाल दीजिए, ऊपर की 4-6 पत्तियों को छोड़कर बाकी सभी पत्तियों को निकाल दीजिए, क्योंकि ज़्यादा पत्तियां होने से ब्रांच जो है अपनी सारी एनर्जी उन पत्तियों को हरा भरा रखने में लगा देगी, जिससे कि रूट्स बनने में टाइम लगेगा, देर लगेगी। ये सभी कटिंग्स मैंने लगभग एक महीना पहले लगा दी थी और इस समय मेरे पास करीब 100 से 150 पौध रेडी हो गई हैं, जिनको कि अब मैं दूसरे गमलों में ट्रांसफ़र करना स्टार्ट कर दूंगी। अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो आप इसको बारिश के पानी से बचा के रखें, क्योंकि बारिश के पानी से इसके पत्ते काले पड़ जाते हैं और आपकी जो पौध हैं वो सही से रेडी नहीं हो पाएंगी। देखिए ये रिजल्ट मैं आपको दिखा रही हूँ मेरी उन्हीं पौध का जो मैंने एक महीना पहले लगाई थी करीब, और देखिए कितनी अच्छी इसमें रूट्स बन गई हैं और बहुत ही अच्छी मेरी ये पौध रेडी हो गई हैं। इन कटिंग्स को लगाते समय मैंने किसी भी तरह का कोई रूटिंग हार्मोन यूज़ नहीं किया था। बिना रूटिंग हार्मोन के भी इसमें अच्छी रूट्स निकल आती हैं अगर आप इसको सैंड में लगाते हैं तो। दूसरी चीज़ कि अगर आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पर बारिश बहुत कम होती है तो आप इसकी मिट्टी में सैंड में थोड़ी सी कोकोपीट भी ऐड कर सकते हैं। गुलदावदी के कटिंग्स को लगाते समय आपको एक चीज़ का ध्यान और रखना है कि आपको इसको ऐसी जगह पे रखना है करीब 6-7 दिन के लिए जहाँ पर शेडी एरिया हो, छायादार जगह हो, ऐसी जगह पर आप इसको रखें। क्योंकि जब हम कटिंग्स लगाते हैं मदर प्लांट से, जब कटिंग्स को अलग करते हैं तो उसमें इतनी एनर्जी नहीं होती है कि वो अच्छे से सर्वाइव कर सके और वो एकदम से मुरझा जाती हैं, सूख जाती हैं। 6-7 दिन तक छाया में रखने के बाद आप इनको धूप में रख सकते हैं। बारिश के समय थोड़ा सा ध्यान रखें कि बारिश का पानी इनमें ज़्यादा ना हो। वैसे तो अगर आप इसको सैंड में लगाएंगे तो उसमें पानी निकल जाएगा हैंड टू हैंड और ये जल्दी से ख़राब नहीं होंगी। कोशिश करें कि कटिंग्स जब आप लगाएं तो सेपरेट पॉट में लगाएं सैंड के अंदर, क्योंकि किसी भी गमले में कटिंग लगाने से उसमें जो हम पानी डालते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उस कटिंग को उतने पानी की ज़रूरत हो। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि सेपरेट पॉट में सैंड में ही इसको लगाएंगे तो आपकी जो कटिंग्स हैं उसके 100% चांसेस हैं सर्वाइव करने के। इन कुछ टिप्स को फॉलो करके आप भी अपने एक मदर प्लांट से सैकड़ों प्लांट्स बना सकते हैं और अपने गार्डन में बहुत से फूल खिला सकते हैं। गुलदावदी को ट्रांसफ़र करने के लिए एक टिप, कभी भी गमले में एक पौधा ना लगाएं, कम से कम 3 से 4 प्लांट लगाएं। इसका रीज़न मैं आपको बताऊंगी अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो अभी के लिए बस इतना ही। गुलदावदी से ही जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गार्डनिंग करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।